यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब आपको बीजगणित का प्रश्न इस तरह से भिन्न के रूप में मिल जाए, कहने का मतलब कि आपको जब बीजगणित का भाग मिल जाए इस तरह से भिन्न के रूप में, तब इसे किस तरह से बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से और वो भी सबसे आसान तरीका से। जैसे कि देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, ऊपर में कुछ संख्या दिया गया है, नीचे में कुछ संख्या है, इसे हमें ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग देना है। यहाँ पर भी उसी तरह से करना है, ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से भाग देना है। तो जब आपको इस तरह के भाग मिल जाएगा तो आप किस तरह से बनाएंगे, चलिए अब हम जल्दी से इसे सीख लेते हैं। तो देखिए, इसको सीखने से पहले ना हमें कुछ बेसिक जानकारी को समझना होगा, तभी हम इसे बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो देखिए, बेसिक जानकारी यह है कि मान लीजिए जब इस तरह से रहेगा, जैसे में मान लीजिए कि x के पावर 2 रहेगा और बटा में रहेगा x, तो इसका हल क्या होगा, पहले आप यह समझिए। देखिए, यह बहुत ही आसान है और सिंपल है, यह आप समझ लेंगे ना तो यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका हल क्या होगा, यहाँ पर है x के पावर 2, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है 2 बार गुणा में, इस तरह से है x गुणा x, नीचे में एगो x है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि नीचे में एगो x है। ठीक, अब देखिए, ऊपर वाला एगो x से नीचे वाला एगो x कट गया, बराबर में क्या बचा, तो देखिए ऊपर में बचा है x और नीचे में कुछ नहीं बचा, यानी कि एक बचा है, तो बराबर में केवल बचा है x। ठीक, अब देखिए, इस प्रश्न का हल हमने इस तरह से तोड़ तोड़ के किया, इसी प्रश्न का हल हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है और नीचे में x के पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर x के पावर क्या है, तो एक है। इसी प्रश्न को एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x के पावर 2 ऊपर में है और नीचे में है x के पावर 1, इस प्रश्न को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए, जब इस तरह से आपको मिलेगा, ऊपर भी वही अंक रहेगा और नीचे भी वही अंक रहेगा। इसमें हमें एबीसीडी का अक्षर देखना है, कहने का मतलब कि ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई होना चाहिए, इसका पावर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। ठीक, तो इस तरह से रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक्स है ना तो हम एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे, तो इस तरह से 2-1 बराबर में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स, 2-1 करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, और x के पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ कि यह x है। ठीक, तो देखिए इस तरह से भी हम हल करते हैं तो इसका मान x आ जाता है, और इस तरह से भी हल करते हैं तो इसका मान x आ जाता है। तो देखिए, अब हमें फायदा क्या होगा, देखिए जब इस तरह से छोटा समीकरण रहेगा, कहने का मतलब कि x के पावर 2 है तो इस तरह से हमने तोड़ तोड़ के हल कर दिया है, लेकिन मान लीजिए x के पावर रहेगा 10 रहेगा, 20 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, इस तरह से बड़ा बड़ा संख्या रहेगा, फिर इस तरह से हम एक को लिखेंगे, यदि मान लीजिए x के पावर यहाँ पर 10 रहेगा तो फिर हम 10 को x लिखेंगे तो पाना भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वाले नियम से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को हम दूसरा वाला नियम से हल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर पहले अंक जो कटेगा ना उसे हम कटा देंगे, तो देखिए अंक ऊपर में है 15 और नीचे में है 25, 5 से 15 कितने बार में कटेगा, तो 5 तिया ही होता है 15, 3 बार में कटेगा, और 5 से 25 कितने बार में कटेगा, तो यह कटेगा 5 बार में। अब देखिए यह बचा क्या है, यह अंक हो गया है 3 और नीचे में बटा में है 5, ठीक, यह 5 हो गया। अब हमें करना क्या है, यह सब को इस तरीका से हमें हल करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x है ना तो हम लिखेंगे x, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका पावर क्या है, इसका पावर है 3, माइनस करेंगे और नीचे वाले पावर को घटाएंगे, नीचे में क्या है x के पावर 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद गुणा लिखेंगे हम y, ऊपर में y के पावर क्या है, तो ऊपर में है y के पावर 2, माइनस लिखेंगे, नीचे में क्या है, नीचे में है 4, तो 4, फिर गुणा z लिखेंगे, यह z के पावर क्या है, ऊपर में है 4 और नीचे में क्या है 3, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देना है। ठीक, इतना ही काम आपको करना है, बराबर में क्या हो जाएगा 3/5, और यह सब जितना भी है ना यह सब ऊपर में है, नीचे में मत लिखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x के पावर 3 मले 2 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1 मतलब 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए
वाई के पावर क्या हो जाएगा, दो और चार है ठीक, चार बड़ा है तो बड़ा वाला मतलब छोटा वाला घट रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई के पावर माइनस दो। समझ में आ रहा है ना, देखिए बड़ा वाला मतलब हम छोटे वाले को घटा रहे हैं और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है इसलिए बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा। उसके बाद जेड के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जेड के पावर हो जाएगा एक ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड के पावर एक और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न बनाना सीखते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए x के पावर तीन है माइनस एक्स, वाई के पावर दो है। यह वाला प्रश्न इस वाले प्रश्न से बिल्कुल अलग है, तो यह अलग तरीका से बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है ना दोनों में, तो x को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, इस तरह से x बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचेगा x के पावर दो और माइनस वाई के पावर दो इस तरह से ठीक। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, तो नीचे में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यह x माइनस वाई का होल स्क्वायर है यानी कि इसका पावर दो है। मान लीजिए जब इस तरह से रहता है x के पावर दो रहता है तो इसका मतलब होता है x गुणा x ठीक, यानी कि यही संख्या दो बार गुणा में है। तो उसी तरह से इसका पावर दो है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इस तरह से है x माइनस वाई है एक बार और फिर से एक बार है x माइनस वाई, यानी कि यही संख्या दो बार गुणा में है। अब देखिए इस वाले को हमें हल करना है, इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए एक सूत्र होता है बीजगणित का इस तरह से होता है, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी रहता है तो यह बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहता है तो यह बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, यहाँ पर ना यह वाला भाग दिया है यानी कि ए का स्क्वायर है और माइनस बी का स्क्वायर है, एक्स इसमें ए का काम करेगा और वाई बी का काम करेगा, तो यह वाला भाग दिया है तो यह वाला बन जाएगा। यह वाला क्या बनेगा, तो यह बनेगा देखिए ऊपर में यह इस तरह से हो जाएगा एक्स ज्यों का त्यों। उसके बाद इसके बदले में हम इस तरह से लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई कोष्ठ बंद और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस वाई कोष्ठ बंद, बाटा में क्या है, तो बाटा में है यह एक्स माइनस वाई और एक बार है एक्स माइनस वाई ठीक। अब हमें करना क्या है, तो देखिए जो जो कटेगा उसे कटा देना है। तो देखिए यहाँ पर है एक्स माइनस वाई और नीचे में भी है एक्स माइनस वाई, तो यह वाला से यह वाला कट गया ठीक। बचा क्या है बराबर में, तो देखिए अब बराबर में क्या बचेगा, यह वाला समझ लीजिए बराबर में बचेगा, ऊपर में बचेगा एक्स और यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे में क्या बचेगा, तो नीचे में बचेगा यह वाला एक्स माइनस वाई और यही हो गया इसका राइट आंसर।